समाजवादी पार्टी हर संस्था का सहयोग करती है और कोई पहली बार नहीं हुआ है या पहली बार सीबीआई नहीं बुला रही है। याद करो नेताजी और हमारे परिवार को कितने दिन सीबीआई के अंडर रहना पड़ा। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और पीडीए के लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं तो इन सब चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस समय सबसे ज्यादा कमजोर है, सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में। 10 साल के बाद भी इतने घबराए हुए लोग, और मैं आपसे कह रहा हूं कि यूपी से आए थे, यूपी से ही जाएंगे बाहर। अगर 2014 में आए थे तो उत्तर प्रदेश की जनता 2024 में इन्हें बाहर कर देगी। क्या देश के लोगों की आंख थोड़ी बंद है? क्या देश के लोगों को नहीं दिखाई दे रहा कि आप चंडीगढ़ के चुनाव को जीतने के लिए बैलेट पेपर पे क्या वोट डलवाए आपने? वोट को खराब किसने किया? अगर बैलेट से वोट ना पड़े होते और सीसीटीवी कैमरा ना होता तो वो भारतीय जनता पार्टी की चोरी और वोट की डकैती पता नहीं लगती। जो वोट की लूट पता लगी है वो बैलेट पेपर की वजह से बची है। क्या देश की जनता नहीं देख रही है कि हिमाचल में एक मुख्यमंत्री को एफआईआर लिखानी पड़ रही है? क्या ये परिस्थितियां आपने कभी पहले देखी होंगी? तो ये जो चीजें आप देख रहे हो, समन आना चुनाव से पहले, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ की तरह काम करते हैं। और आपसे बेहतर कौन जानता है? आपके कई चैनल हैं जो बिक गए, इन्हें भी सीबीआई आई थी एक जमाने में। ये लीक करने का काम बीजेपी करती है। आपको अभी भी नहीं पता था लीक में 60 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। और मैंने फिर बताता हूं गणित, 60 लाख बच्चे जिनको आपने नौकरी देने का वादा किया था नौकरी नहीं दे रहे हैं, जिनका पेपर लीक हो गया है, 60 लाख बच्चे और केवल उनके माँ बाप, पिता पुत्र, पिता और माँ को अगर हम गणित लगा लें तो 3 × 60 लाख क्या हुआ? 1 करोड़ 80 लाख। और 1 करोड़ 80 लाख को अगर हम डिवाइड कर दें 80 लोकसभाओं में तो 2,25,000 लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज हैं, वोट कम हो गया। ये घबराहट है बीजेपी को कि 1 लोकसभा में 2,25,000 वोट कम हो गया। किस मुंह वोट मांगेंगे? विधायक खरीद सकते हो, जनता नहीं खरीद सकते आप। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि पीडीए परिवार को बढ़ाने का काम हम लोग लगातार बूथ स्तर पर करेंगे। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान और लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रही है, जिस तरीके से कभी मंथन हुआ था, समुद्र मंथन, उसी तरीके से 2024 में संविधान मंथन होने जा रहा है। लड़ाई उनके बीच में है। एक तरफ तो वो लोग हैं, हम समाजवादी लोग, जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, और दूसरा वो लोग हैं जो संविधान का भक्षक बन गए। लगातार महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, और जीरो टॉलरेंस के नारे देने वालों का जीरो टॉलरेंस करप्शन के लिए जीरो हो गया, जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर में नारा देने वालों का लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो गया। देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बेटियां अगर कहीं हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की सरकार में। डबल इंजन की सरकार ने जो सपने दिखाए थे निवेश के, कि डिफेंस एक्सपो में इतना निवेश आएगा, देश के और बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुला करके इन्वेस्टमेंट मीट की, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बाद भी जमीनी हकीकत यह है कि जमीन पर इन्वेस्टमेंट नहीं उतरा है। इस सरकार को हटाने के लिए हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता, जिम्मेदार नेता तैयार हैं। आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ उनका कर्ज माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का पूरा कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता? समाजवादी पार्टी इस बात की लड़ाई लड़ेगी कि किसानों का कर्ज माफ हो, एमएसपी मिले,
और सबसे पहले देश में उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने जा रहा था, समाजवादी लोगों ने कहा था ओल्ड पेंशन बहाल होगी और अपने घोषणा पत्र में लिखा था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाल की, हिमाचल में इलेक्शन का मैनिफेस्टो में डाला और देश भर में आज ओल्ड पेंशन को लेकर के कर्मचारी पक्ष में, समाजवादी पार्टी इस पक्ष में कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 80 हराओ और ओल्ड पेंशन अपनी पाओ।